भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है, मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 एमजीडी, 9 जून को 978 एमजीडी, 10 जून को 958 एमजीडी, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 एमजीडी पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है एमजीडी।